हर महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, ये बहुत सुंदर कथा है। ये कथा भाई और बहन का है। एक लड़की थी, उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, लेकिन उसका एक छोटा भाई थे। और जो छोटा भाई थे और उनको माता पिता दोनों इस दुनिया से चल गए, तो बेचारी धीरे 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 अपने भाई को प्रतिपाल किया। जब भाई बड़ा हो गया, दोनों किसी तरह से भी गांव में मांग के किसी तरह से अपना प्रतिपाल करके भाई को भी बड़ा कर दिया और अपने भी बड़ा हो गई बेचारी धीरे धीरे। जब बड़ा हो गई तो सब गांव वाले बोले कि भाई ये लड़की है, इसको शादी भी करना जरूरी है। सब मिलके गांव वाला उसको शादी कर दिए। और जब शादी कर दिए, बेचारी ससुराल चल गई। ससुराल चल गई तो उन्होंने सोचे कि हाँ भाई भी है, इसको भी शादी कर देंगे। वो बेचारी अपने भाई को भी शादी कर दी। और जब शादी कर दी तो कुछ दिन के बाद गौना करवा दी। और गौना करवा दी तो जब आई उसकी भाभी, तो उसको भैया बोले जो छोटा भाई थे कि ऐसा करिए कि हम लोग परदेश चलिए, दीदी अपना घर पे रहेगी और मेरा घर में भी घर संभालने वाली आ गई है, हम लोग दोनों परदेश चलिए। उसको जो जीजा थे बहनोई, वो बोले कि हाँ ठीक है चलिए, हम भी जाएंगे, हमें भी जाने का ज़रूरत है। दोनों साला और बहनोई दोनों परदेश चल गए कमाने को लिए। और जब कमाने को लिए चल गए तो कुछ दिन बाद, साल दो साल बाद लौटे। और जब लौटे तो बहन के नज़र पड़ा कि अरे मेरे घर भैया भी आ रहे हैं और मेरे पति भी आए हैं। बड़ी खुशी मिला उसे, लेकिन भैया को और पति को दोनों को बैठने को लिए दी और थाली में लाकर पैर धोई। जब अपने भाई को पैर धो रही थी तो उसको भाई जो थे वो पैर धुलाए में पैसा देने लगे। और जब पैसा देने लगे तो वो जिस झोली से पैसा निकाले थे उस झोली को देख ली और उसे नज़र लग गया कि अरे इसको से हम बचपन से पोसे पाले पढ़ाए माँ की तरह, और ये कमाया है जो धन वो अपने पत्नी को दे देगा, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पैसा तो हम किसी तरह से जरूरी छीन लेंगे, चाहे जे हो जाए, चाहे इसे जान क्यों ना लेना पड़े, लेकिन हम इसे जाने नहीं देंगे। ये अपनी पत्नी को पैसा देगा। मन में उसको लालच हो गया, लालच हो गया। खूब बढ़िया से भोजन बनाई भाई के लिए और बहुत प्रकार के भोजन बनाई। भोजन करने को लिए आज्ञा दी, अपने भाई को बोली कि भैया भोजन कर लो, अपने पति को भी बोली कि वो भोजन कर लीजिए। दोनों मिलके भोजन किए। रात हो गया, बहन भाई बोले बहन हमको सोने का जगह बना दो, बता दो और जहाँ पर हम सो जाएं। वो बोली भाई जाओ इस जगह पर सो जाओ, कहीं बिस्तर लगा दी थी वहाँ उसके भाई सो गए। और जब भाई सो गए तो पति से जाके अपने बोली कि पति देव मेरे भाई का बटुए में बहुत सला रुपया है, क्यों ना भैया के हम लोग दोनों मिल के काट दें और उस बटुआ में से पैसा निकाल लें और भैया को उधर गाड़ देंगे। वो बोले उनका पति तुम्हें शर्म नहीं आता कुछ भी नहीं, दोनों एक ही जगह कमा रहे थे, दोनों एक ही जगह से आए हैं, वो बेचारा अपना घर नहीं गए तो क्या उसे मार डालोगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन उस वक्त चुप हो गई और अपने पति को पैर हाथ दबा दी, उसका पति सो गए। और ये क्या कि एक चाकू रख ली और जाके अपने भाई को धीरे धीरे पैर दबाने लगी। भाई तो थके हुए थे, उन्हें नींद पहले से भी था, जब उनका पैर दबाने लगी बहन तो और भी नींद आ गया, और नींद आ गया। ये गला काट दी भाई को और जो उसके पास पैसा था वो निकाल ली बहन, और निकाल के अपने पति के पास गई कि महाराज
हम भाई को जान मार दिए हैं, उसका पैसा ले लिए हैं, चलिए उसे कहीं ठिकाना लगा देंगे। उसके पति बोले, अरे तू कितने हथियारी हो, कैसा बहन हो राक्षिनी, जो अपना भाई को मार दी, हम ऐसा होने नहीं देंगे तो जो तुम उसे कहीं ठिकाना लगा दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। और वो बेचारे क्या किए, उसमें हल्दी और कड़ुआ तेल लगा के काट के बक्सा में रख दिए, जो उनके पास था व्यवस्था उसमें रख दिए और ताला लगा दिए और उसी समय अपना ससुराल चल दिए। जब ससुराल पहुंच गए तो उनके सरहद सुबह सुबह नज़र पड़ा तो देखें तो उन्हें बहुत खुशी मिला। लेकिन वो बेचारी बोली, भैया आप आए पर उन्हें नहीं लेकर आए। वो बोले, क्या कहें, कहने लायक बात नहीं है, आपका जो ननद है वो राक्षसिनी है, हथियारी है, वो अपने भाई को मार डाली। ऐसा बेचारी सुनी, उसे आँख में आंसू भर आया, लेकिन वो पूछी, भैया क्या आप उन्हें क्या किए, उनका मिट्टी को जला दिए हैं? ये बोले, नहीं हम जलाए नहीं हैं, हम उन्हें काट के बक्सा में बंद कर दिए हैं। लेकिन ये बेचारी शिव भक्त थी, बहुत बड़ा शिव भक्त थी, बिना शिव जी का पूजन किए भोजन नहीं करती थी। ये अपने शिव जी का आराधना की, आंचल फैला के दया मांगी, भगवान वहाँ पे उनको अंतर ध्यान दिए, आकाशवाणी किए, कन्या जाओ अपने पति के पास, तुम उसे जिया सकती हो, जिया लोगी, जाओ। ये बेचारी वहाँ से चल दी और जब ननद के घर आई तो ननद बोली, हाँ हम आपको ही वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, आइए बैठिए खाना खा लीजिए। ये बेचारी बोली, नहीं आपके घर हम बैठने नहीं आए हैं, हम अपने पति से मिलने आए हैं। ओ इसका जो ननद के पति थे वो बक्सा में से खोल के उस लाश को निकाल दिए और लाश को निकाल के इसे दिए, तो ये बेचारी बैठ के और भगवान से दया मांगने लगी, दया मांगने लगी कि महाराज आप ये क्या किए, हम एक दिन भी दोनों साथ में नहीं रहे हैं और मेरा आप सुहाग उजाड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान उन्हें अंतर ध्यान दिए कि पुत्री ऐसा करो, तू अपना कानी उंगली चीर दो और अपने पति के मुंह में डाल दो, तुम्हारा पति उठ के बैठ जाएंगे। वो बेचारी झट से अपनी कानी उंगली को चीर दी और पति को मुंह में डाल दी, जैसा ही पति को मुंह में डाली वैसा ही पति उसका उठ के बैठ गए और बोलने लगे, अरे तू मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, हम मेरा कच्चा नींद था, हम कच्चे नींद में सोए थे, मेरा नींद पूरा नहीं हुआ है। वो बोले, पति देव जी हम हैं, कच्चा जो नींद है वो आपकी बहन सोएगी, आप नहीं। और बहन देखी तो वो तो चकित ही रह गई और वहाँ से जब पति को लेकर चलने लगी बेचारी, तो दोनों हाथ उसका जो कहता है लोग लूल हो गए, फूट हो गए, उसी तरह दोनों हाथ बहन का हो गया और आँख से बहन अंधी हो गई। उसे ये भी नहीं पता चलने लगा कि यहाँ पर कौन है, कौन आया कौन गया, और भाई और भाभी उसको वहाँ से चल दिए और उसका पति भी घर छोड़ दिए। वहाँ से सोचे, नहीं जो अपना भाई का नहीं है वो मेरा कैसे, पति भी घर छोड़कर देश परदेश चल गए और बेचारी ये दोनों भी घर आ गए। वो तो बच्चेपन से माँ बन के पाली भाई को, लेकिन जब बड़ा भाई हो गया तो वो कसाई बन गई। अगर जो उसका पत्नी शिव भक्त नहीं रहती, शिव जी का आराधना पूजन नहीं करती तो अपने पति को नहीं जिला पाती, इसलिए शिव गुरु सब पर दया करते हैं, उस पर भी दया किए और वो फिर से सुहागन हो गई। हर हर महादेव।